नमस्कार मित्रों, विद्या मंत्रा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की ज्वाइनिंग लेटर्स के बारे में कुछ अपडेट्स देना चाहेंगे। देखिए, सचिवालय से सभी विभागों के जो सभी ब्रांचों के लेटर्स हैं वो धीरे धीरे टुकड़ों में रिलीज किए जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पे मैं आपको दिखाऊं, ये 27 दिसंबर का एक लेटर है, उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग 2009/16-2/2022, जिसमें ये हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर है। और सबसे पहले आपको बधाई कि आपको पॉलिटेक्निक लेक्चरर का चार्ज मिला। और ये जो नियुक्ति होती है ये गवर्नर के अप्रूवल से होती है, बिकॉज दिस इज अ गजेटेड पोस्ट। तो स्टेट में गवर्नर जो होता है गजेटेड पोस्ट के लिए अप्रूवल देता है, ज्वाइनिंग कराता है। और जब अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहां पे गजेटेड पोस्ट की जो ज्वाइनिंग होती है वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से होती है। मतलब टर्मिनेशन और अपॉइंटमेंट का जो राइट्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में वो प्रेसिडेंट्स का होता है, और स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हो क्या इसका होता है, गवर्नर का होता है, ठीक है। गजेटेड पोस्ट होती है ये, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो गजेटेड पोस्ट होती है उनकी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं होती है। तो अदर देन होम पोस्टिंग, होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलती है, विभाग ऐसा करता है कि वैकेंसीज के हिसाब से आपके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट, जो होम टाउन डिस्ट्रिक्ट आपने फिल किया है, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग देता है। यूराइज पोर्टल पे आपसे वैकेंसीज के चॉइसेस मांग रखे थे कि कहां कहां आपको चॉइसेस चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज जहां होंगी वहां पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग आपके होम डिस्ट्रिक्ट के ठीक पास में मिले या जो चॉइसेस आपने फिल कर रखी है उनमें से मिले। डिपेंडिंग ऑन योर रैंक एंड डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये 2021-22 में जो वैकेंसीज आई थी जिसका जून में रिजल्ट आया था, ये उसकी ज्वाइनिंग लेटर है। इसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश में व्याख्याता कंप्यूटर के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर सुश्री श्वेता सिंह, पुत्री श्री उमाशंकर सिंह, स्थायी पता मधुबन मऊ, लोक सेवा आयोग का क्रमांक 70 को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से व्याख्याता कंप्यूटर के पद पर उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा नियमावली 2021 में निहित प्रविधान अंतर्गत वेतनमान प्रविष्टि 56,111(9A) एवं प्रविष्टि 57,700(10). देखिए, 56,100 उनको मिलेगा जो केवल बीटेक है, जिन्होंने एमटेक भी किया हुआ है उनको 57,700 मिलेगा, ठीक है। और जो कि स्पेशली गाइडलाइंस है, और यहाँ पे ये सारी चीजें दी गई हैं। औपबंधिक रूप से एमएमआईटी हरिहरपुर गोरखपुर में नियुक्ति किए जाने की राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा सेवा नियमावली 2021 में उल्लिखित प्रावधानों से शासित होगी। ऐसी अन्य सेवा शर्तें उन पर लागू होंगी जो समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाएंगी, ठीक है। संबंधित कार्मिक उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परीक्षा प्रथम संशोधन 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावली पर अध्यारोपी प्रभाव से लागू है, इस संगत प्रावधानों के अंतर्गत व्याख्याता पद पर कार्यभार करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा अवधि पे होंगे, आप प्रोबेशन पे होंगे 2 साल तक, तथा व्याख्यापक की व्याख्याता पद की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जाएगी। संबंधित कार्मिक का चरित्र सत्यापन एवं पुलिस वेरिफिकेशन नियमानुसार कराया जा रहा है। यदि उक्त सत्यापन में संबंधित कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है उनकी नियुक्ति विधि शून्य मानी जाएगी तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर संबंधित कार्मिक के अनिवार्य योग्यताओं से संबंधित मूल प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच संबंधित संस्थान पब्लिक विश्वविद्यालय से करा लेंगे। यदि संबंधित कार्मिक के मूल अभिलेख त्रुटिपूर्ण फर्जी पाए जाते हैं तो उक्त कार्मिक के विरुद्ध संगत धाराओं में विधिक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से शासन को 6 माह के अंतर अवगत कराएंगे।
तदोपरांत उत्कार्मित के नियुक्ति निरस्त करने संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित कार्मिक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत अनुन्मन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी दे होंगे। संबंधित कार्मिक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के अंदर अवश्य ग्रहण कर लें, अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित कार्मिक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देना होगा। आपको एक महीने के अंदर ज्वाइनिंग कर लेनी चाहिए। जैसे ही आपको लेटर मिलता है या इंडोर्समेंट लेटर्स भी अगर आपको मिल जाता है, आप इमीडिएट जाके ज्वाइन करें। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग कानपुर से सेम जो इंडोर्समेंट लेटर है वो संबंधित पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल की ईमेल आईडी पे भी भेज दिया जा रहा है, और आप वहां पर जाके रिपोर्ट करिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही है। तो आप तुरंत रिपोर्ट करिए और ज्वाइन करिए एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 475 DF 2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। देखिए, ये मैं मुझे जहां तक लग पा रहा है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं अदर देन यूपी, उन्होंने भी यूपी फीमेल कैटेगरी में सिलेक्शन लिया है यूपी में, तो जबकि यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये बोला गया है कि जो आउट ऑफ स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनको फीमेल कैटेगरी में क्यों सिलेक्शन दे रहे हैं। तो ये रेड पड़ी हुई है, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपकी जो ज्वाइनिंग है इस डिसीजन के बाद ही आपको इस डिसीजन से आपकी ज्वाइनिंग का फर्क पड़ सकता है अगर कुछ आएगा। वैसे आप निश्चिंत होकर ज्वाइन करिए। अब देखिए, जो आपके ऑर्डर्स निकले हैं इसको, इसकी एक कॉपी किसको किसको दी गई है। महालेखाकार उत्तर प्रदेश प्रयागराज, निजी सचिव माननीय मंत्री प्रावधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, निदेशक प्रावधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश कानपुर, संबंधित कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश, संबंधित प्रधानाचार्य को इस अभियुक्त के साथ प्रेषित की संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने सुनिश्चित करें। निर्धारित समय के अंदर कार्यभार न ग्रहण करने की उपस्थिति में एक माह के अंदर प्रावधिक शिक्षा प्रसाद उत्तर प्रदेश कानपुर को तत्काल उपलब्ध कराने का प्रयत्न करें। निर्देशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री गजट के आगामी अंक में प्रकाशनाथ, सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज को उनके पत्र संख्या दिस, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। देखिए, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि देखिए, ये गवर्नमेंट के अपने प्रोसेस हैं, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो पैकेट्स के फॉर्म में ज्वाइनिंग दे रहे हैं, मीन्स अगर आपके बैच में टोटल 150 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, यूपीपीएससी ने रिकमेंड किया है, तो सबसे पहले उनका पैकेट्स के फॉर्म में, मीन्स 15-15 के बैच के फॉर्म में उनका मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद फिर उनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो सचिवालय हैं वहां पे क्या कहते हैं, आपके जो सारी फाइल्स है फाइल रेडी होती है, हर कैंडिडेट्स की अलग अलग फाइल बनती है, उन फाइल पे अप्रूवल होता है, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद जाके एक एक करके ज्वाइनिंग उनको रिलीज करना होता है, ठीक है। तो जिन लोगों की ज्वाइनिंग आ गई है, सबसे पहले उनको बधाई कि वो अपना कार्यभार ग्रहण करें और फ्यूचर में अपने इंटेलेक्चुअल और जो उनको नॉलेज है उससे उत्तर प्रदेश के जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी नॉलेज दें, जिससे वो आगे चल के जूनियर इंजीनियर या पॉलिटेक्निक लेवल की जो जॉब्स है उसमें सेलेक्ट हो पाए। तो सर, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली अभी तक, तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि पैनिक मत होइए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आया है कि हमने आज डिपार्टमेंट्स में कॉल किया था, हमें ये पता चला कि एक हफ्ते के अंदर पोस्ट हो जाएगी, एक हफ्ते के बाद पोस्ट हो जाएगी। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि उनको आप कॉल करेंगे तो फोन कॉल्स पे आपकी बात होगी। ये सारे जो वर्क होते हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ठीक है। जैसे मैं सचिवालय में RO ARO वर्क करते हैं, मोस्टली RO ARO वर्क करते हैं, या फिर आपके असिस्टेंट डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी लेवल पे भी फाइल जाती है आपकी। तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि फोन पे उनको डिस्टर्ब मत करें ज्यादा। मेरा ये मतलब डिस्टर्ब करने का नहीं, आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन आप जो फोन पे इंफॉर्मेशन लेते हैं उन अपने कुलीग से भी डिस्कस करेंगे, आप अपने कुलीग से डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद वो वॉइस रिकॉर्डिंग, बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा कि वो
व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, इससे आप एक तो आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, सेम डिपार्टमेंट में जो आरओ यारओ हैं उनसे आपकी कल मुलाकात होगी। अगर किसी भी तरीके से किसी भी वाइस रिगार्डिंग या डिपार्टमेंट की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर अपर लेवल पे जाती है तो इससे क्या है, उनको भी जॉब पे फर्क पड़ेगा और भविष्य में आप जब ज्वाइन करते हैं और इस तरीके से पता चलता है कि ये हमारी कॉल्स आएगी, आप जिस नंबर से कॉल करेंगे वो नंबर्स डिटेल्स निकालने में उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो प्लीज आप ये ना करें। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल भी रही है तो आप उसको ज्यादा शेयर मत करें, बिकॉज ज्वाइनिंग आपके कॉल से तेजी से नहीं चलेगी। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि ज्वाइनिंग आपके कॉल करने से प्रेशर नहीं पड़ेगा, ये गवर्नमेंट के काम है, बहुत सारे स्टेजेस में फाइल जाती है अप्रूवल के लिए, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसके बहुत सारी स्टेजेस हैं, और जब आपके सारे वर्क कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका ज्वाइनिंग लेटर उस दिन रिलीज हो जाएगा और आपके घर आपका लेटर भी मिल जाएगा। तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वेट, और तब तक अपने आप को इंगेज रखिए। जो दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग वो तब तक रिजाइन ना करें जब तक ज्वाइनिंग लेटर ना आए। नोटिस पीरियड मुझे पता होता है कि नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, लेकिन इट इज नॉट इन योर हैंड। जो लोग नहीं जॉब कर रहे हैं वो अपनी हॉबीज में टाइम इन्वेस्ट करें, कुछ अच्छे काम करें, अगर उनको पढ़ाने का शौक है तो लेक्चर्स बनाएं, यूट्यूब पे अपनी इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करिए, बिकॉज यू आर सिलेक्टेड इन वन ऑफ द रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूपी गवर्नमेंट, ओके, तो आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, उस एक्सपीरियंस को शेयर करिए। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लग जाइए यूपीएससी की प्रिपरेशन में, अगर आपके पास टाइम है तो। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तब भी आप लग जाइए, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद आपके पास भी एक एम होता है। तो वेट करिए, वेट एंड वॉच, आपका भी ज्वाइनिंग आ जाएगा, और जिनकी ज्वाइनिंग आ गई है वो इमीडिएट ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो this call letters we have shared for the reference purpose only, okay, and Vidya Mantra channel पे हम आपको ऐसी updates समय समय पे ले आते रहते हैं। तो अगर आपको video अच्छा लगे तो channel को subscribe जरूर कर देना, like जरूर कर देना, और कोई भी query होगी तो आप comment section में जरूर mention करना, we will resolve the query, okay, thank you, have a good day।